अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के साथ। जब हम बच्चों के पर्स बनाते हैं, क्रॉस पर्स बनाते हैं, तो उसमें जो बेल्ट यूज़ किया जाता है उसे क्रॉचेट से बनाते हैं। आप उसके लिए चमड़े का बेल्ट या संखली वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, तो उसकी मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती थी और वो बहुत ज़्यादा चौड़ा भी नहीं होता है, बहुत ही कम साइज़ होती है उसकी चौड़ाई में। तो उसके लिए मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल और ईजी सा आप लोगों के साथ आज एक बेल्ट शेयर करूँगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये गुलेरा का चैनलेट 6-ply कॉटन यार्न लिया है। यह आपको प्रधान एम्ब्रॉयडरी स्टोर्स पर मिल जाएगा और निडल मैंने ली है 2.5 mm की। ये निडल भी आपको उनकी वेबसाइट पर मिल जाएगी, तो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। सो वीडियो को एंड तक देखिए, आप लोगों को इजीली सब बनाना आ जाएगा और समझ में भी आएगा कि कितना इजी है इसे बनाना। सबसे पहले हम फिंगर पर धागा फोल्ड करके स्लिप नट लेंगे। उससे पहले अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेक श्योर आपने चैनल को करना है सब्सक्राइब, रेड कलर का बटन है उसे प्रेस कर दें और फिर बेल नोटिफिकेशन आएगी वहाँ पर ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि मैं जब न्यू वीडियो डालूँ तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। अब सबसे पहले हमने इस तरीके से नीडल पर धागा फोल्ड करके स्लिप नट लेना है। स्लिप नट लेने के बाद मैं थोड़ा और नज़दीक से आपको बताती हूँ, आपने चैन लेनी है। सिंपली नीडल पर धागा फोल्ड करके इस गैप में से आपने बाहर आना है, वन एंड अगेन वन चैन। तो यहाँ पर हमने ले ली टोटल टू चैन। लेने के बाद आपने ये फर्स्ट चैन का गैप छोड़ देना है और सेकंड चैन के गैप में लेना है वन टाइम सिंगल क्रोचेट, जिसके लिए हम निडल डालेंगे, धागा लेने में बाहर आएंगे और यहाँ पर हम दोनों धागों में से बाहर आ जाएंगे। अब हमने यहाँ से ऐसे टर्न ले लेना है। टर्न लेने के बाद आपको ये जो धागा दिख रहा है यहाँ से, ये देखें, आपने यहाँ पर सिंगल क्रोचेट बना लिया। अब आपने टर्न ले लेना है। अब आपको यहाँ पर जो धागा दिखेगा ये, इसमें आपने ऐसे नीडल डालनी है ऊपर की तरफ, समझ में आ रहा है आपको, इस तरीके से नीडल डालनी है और नीडल पर धागा फोल्ड करके इन धागों में से ऐसे बाहर आना है और यहाँ पर आपने लेनी है दो धागे आपको दिख रहे हैं, नीडल पर धागा फोल्ड करके इन दोनों धागों में से आपने बाहर आना है। फिर आपने टर्न लेना है, फिर आपको यहाँ पर दो धागे दिख रहे तो इसमें आपने नीडल डालनी है, इस तरीके से। फिर आपने नीडल पर धागा फोल्ड करना है और दोनों धागों में से बाहर आ जाना है। फिर यहाँ पर आपने सिंगल क्रोचेट ले लेना है, फिर आपने टर्न लेना है, फिर यहाँ पर आपको दो धागे दिखेंगे तो इन दोनों धागों में से आपने नीडल डालनी है, नीडल पर धागा फोल्ड करना है और दोनों धागों में से बाहर आना है। फिर यहाँ पर दो धागे हैं तो यहाँ पर हम सिंगल क्रोचेट ले लेंगे। फिर आपने टर्न लेना है, फिर यहाँ पर आपको दो धागे दिखेंगे इस तरीके से, फिर नीडल पर धागा फोल्ड करके इन दोनों धागों में से आपने बाहर आना है, फिर यहाँ पर दोनों धागों में से बाहर आ जाना है, फिर टर्न लेना है, फिर यहाँ पर आपको दो धागे दिख रहे तो दोनों धागों में से आपने बाहर आ जाना है, फिर नीडल पर धागा फोल्ड करके इन दोनों धागों में से आपने बाहर आना है इस तरीके से, और फिर नीडल पर धागा फोल्ड करके इन दोनों धागों में से बाहर आ जाना है। फिर टर्न ले लेंगे, यहाँ पर आपको दो धागे दिख रहे हैं उसमें नीडल डाल देंगे, धागा लेकर इन दोनों धागों में से बाहर आएंगे, फिर धागा लेकर इन दोनों धागों में से बाहर आ जाएंगे, फिर टर्न लेंगे, फिर इन दो धागों में नीडल डालेंगे, धागा लेते हुए इन दोनों धागों में से बाहर आएंगे, फिर इन दोनों धागों में से बाहर आ जाएंगे। और बस ऐसे ही आप देखते जाओगे कि कितनी अच्छी ये बन रही है, डोरी बन रही है, और ऐसे ही आपने इसे बेल्ट को कंटिन्यू फॉलो करना है। अब मैं आपको इसकी और लेंथ बनाकर इसका लुक, फाइनल लुक बताती हूँ। जितनी मीटर आप इसके बनाना चाहते हैं उतनी बना सकते हैं, बहुत ही ईजी और सिंपल सी ये डोरी है, ईजीली आप लोग बना लोगे। सिर्फ आपने टर्न लेना है, दो धागों में नीडल डालनी है,
धागा लेते हुए बाहर आना है, फिर दोनों धागों में से बाहर आ जाना है, फिर टर्न ले लेना है, दो धागों में से नीडल डालना है, फिर यहाँ से इसमें से बाहर आना है, फिर इन दोनों धागों में से बाहर आ जाना है। और देख सकते हैं आप कितनी प्यारी लग रही है ये कंटिन्यू आपने ऐसे ही से फ्रंट और बैक से बिल्कुल सेम बन रही है ये, ऐसे ही आपने इसे कंटिन्यू फॉलो करते हुए जितनी आपको लेंथ चाहिए उतनी आप बना लो। ये देखिए गाइस, यहाँ पर इसकी थोड़ी और लेंथ बनने के बाद इसका लुक कितना प्यारा लग रहा है, फ्रंट और बैक से बिल्कुल सेम है ये। तो ऐसे ही आपने इसे कंटिन्यू फॉलो करना है और मैं इसकी लेंथ बनाकर आपको बताती हूँ। ये देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने इसकी लेंथ बनाई और कितनी प्यारी लग रही है ये डोरी। बस ऐसे ही आपने इसे कंटिन्यू फॉलो करना है, बहुत ही ईजी और सिंपल सी डिज़ाइन है ये, लेकिन इसका लुक बहुत अट्रैक्टिव लगता है बनने के बाद। सो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद मुझे इंस्टाग्राम पर आप इसकी पिक भेज सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय गाइज़।